सहनौ भोनक्तु सह करवावहै वहै तेजस्विनावधीतमस् ओम शांति 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 तो न्याय दर्शन में हम पंच का जो लक्षण है वो बता रहे हैं सूत्रकार तो पंच में सबसे पहले प्रतिज्ञा साध्य निर्देश प्रतिज्ञा साध्य का निर्देश करने वाली प्रतिज्ञा होती है उदाहरण साध्य हेतु और तथा उदाहरण के साधर्म्य से साध्य का साधन हेतु होता है और उदाहरण के वैधर्म्य से साध्य का साधन हेतु होता है और तीसरा अवयव है उदाहरण तो उदाहरण का लक्षण है साध्य साधर्मया तद धर्म भावी दृष्टांत उदाहरणम साध्य के साथ साधर्म्य रखते हुए वो धर्म है उस धर्म को तद धर्म भावी उस धर्म का वहन करने वाला उसको अपने अंदर रखने वाला जो दृष्टांत है उसको उदाहरण कहते हैं और तद विपर्याद विपरीतम तो दृष्टांत में जैसे कहा था साध्य साधर्म्यात, तो ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा साध्य वै धर्म्यात साध्य वै धर्म्यात धर्म भावी उस धर्म को अपने अंदर न रखने वाला न हुआने वाला जो दृष्टांत है उसको उदाहरण कहते हैं तो ये वाला हम पढ़ रहे थे तद विपर्यात विपरीतम साध्य वै धर्म्यात अत धर्म भावी दृष्टांत उदाहरण जैसे अनित्य शब्द योगी प्रतिज्ञा उत्पत्ति धर्मकत्वात् ये हेतु हो गया और उदाहरण है यहाँ हमारे पास आत्मा तो उसके लिए कहा अनुत्पत्ति धर्मकम नित्यम आत्मादि ये उदाहरण हो गया स्वयं आत्मादि दृष्टांत तो ये जो आत्मा या और भी कोई भी नित्य द्रव्य ले सकते हैं इसलिए आदि शब्द लगा दिया तो आत्मा आदि दृष्टांत साध्य जो हमारा साध्य था शब्द का नित्यत्व उसके साथ इसका वैधर्म्य होने के कारण वैधर्म्य क्यों है अनुत्पत्ति धर्मकत्वात् क्योंकि आत्मा तो अनुत्पत्ति धर्म वाला है इसलिए अतद धर्म भावी आत्मा क्या है अतद धर्म भावी धर्म भावी मतलब तद धर्म को अपने अंदर नहीं रख रहा है तत् धर्म माने उत्पत्ति धर्म तो वो उत्पत्ति धर्म इसमें है नहीं तो इसलिए यो अनित्यत्व जो इस साध्य का जो धर्म था अनित्यत्व स तस्में न भवती वो आत्मा में नहीं होता है अत्र आत्मा दू उत्पत्ति धर्मकत्वस्य तत्व तो यहाँ ये जो आत्मा आदि दृष्टांत हैं नित्य वाले इनमें उत्पत्ति धर्म तत्व से उत्पत्ति धर्म का अभाव होने से अनित्यत्व न अभावात अनित्यत्व न भवति उनमें अनित्यत्व नहीं होता है क्योंकि अनित्यत्व कहाँ होगा जो उत्पत्ति धर्म वाले हों और ये क्योंकि अनुत्पत्ति धर्म वाले हैं तो इनमें अनित्यत्व नहीं है नित्यत्व है इनमें तो तो इसलिए अनित्यत्व ने भवती इति उपलब्ध मान है शब्द विपर्यम अनुमिनोती तो ऐसे इनके नित्यत्व को प्राप्त करता हुआ व्यक्ति शब्द में इसके विपरीत अर्थात अनित्यत्व को अनुमान प्रमाण से जान लेता है इसमें तो अनित्यत्व नहीं है तो इससे विपरीत शब्द क्योंकि उत्पत्ति धर्म वाला है तो उसमें अनित्यत्व है ऐसा अनुमिनोती अनुमान से जान लेता है उत्पत्ति धर्म से भावात क्यों जान लेता है क्योंकि शब्द तो उत्पत्ति धर्म वाला है इसलिए अनित्य है शब्द इति शब्द तो अनित्य है तो उदाहरण के वह धर्म से भी क्या सिद्ध हो गया शब्द का अनित्यत्व साधर्मोक्त हेतु तो हो साध्य साधर्म्या तद धर्म भावी दृष्टांत उदाहरणम तो जैसे हमने इसको साधर्म से कहा तो कैसे हुआ था साध्य साधर्म्यात् धर्म भावी दृष्टान्त उदाहरणम साध्य के साथ जो साधर्म और उस धर्म को अपने अंदर रखने वाला वाला जो दृष्टांत वो उदाहरण कहलाता है और वैधर्म्योक्त से हेतु तो जब धर्म से हेतु कहा जाएगा तो साध्य धर्म्यात अत धर्म भावी दृष्टांत उदाहरणम साध्य के साथ वैधर्म्य होने से साध्य था अनित्यत्व और उसके साथ इसका वैधर्म हो गया नित्यत्व आत्मा का तो धर्म भावी उस अनित्यत्व को ये आत्मा आदि उदाहरण अपने अंदर हुआने वाला नहीं है तो इसलिए शब्द क्या है अनित्य है पूर्वस्मिन दृष्टांते पहले वाला जो दृष्टांत था घटपट आदि पूर्वस्मिन दृष्टांते यौ तौ धर्मौ साध्य साधन भूतौ पश्यति पहले वाले दृष्टांत में जिन दो धर्मों को जो कि साध्य साधन भाव से रहते हैं उनको पश्यति जब ये देखता है साध्यपी तय हो और साध्य में भी उन दोनों को देखता है पहले वाला दृष्टांत क्या था घट घट में दो धर्मों को देखा जो परस्पर साध्य साधन भाव से रहते हैं कौन से दो धर्म थे उत्पत्ति धर्मकत्व अनित्यत्व तो उत्पत्ति धर्मकत्व तो साधन बन गया और अनित्यत्व साध्य बन गया उन्हीं दोनों धर्मों को ये इसमें भी देखता साध्य में भी शब्द में भी देखता है साध्य पी तयो साध्य साधन भावम अनुमिनोती क्योंकि ये साध्य जो हमारा है ये भी उत्पत्ति धर्म वाला है ये तो हमने देखा ही है और इस एक के देखने से अनित्यत्व का अनुमान कर लेता है क्योंकि घट में हमने दोनों धर्मों को साध्य साधन भाव के रूप में देखा है तो ऐसे ही यहाँ शब्द भी क्योंकि उत्पत्ति धर्म वाला है तो जैसे वो उत्पत्ति धर्म वाला होते हुए अनित्य था तो ऐसे ही शब्द का भी अनुमान कर लेता है कि शब्द भी उत्पत्ति धर्म वाला होने के कारण क्योंकि उत्पत्ति धर्म का तो इसका साधन है तो साध्य क्या हो जाएगा अनित्यत्व ये अनुमान से जान लेता है उत्तरस्मिन दृष्टान्त और जो उत्तर वाला दृष्टांत था अर्थात आत्मा उसमें तयो धर्म एक अभाव वो जो दो धर्म थे उनमें से एक का अभाव होने से किसका अभाव हो गया उत्पत्ति धर्मकत्व का आत्मा में उत्पत्ति धर्मकत्व नहीं है इतर से अभाव पश्यति इसलिए दूसरे का भी अभाव देख लेता है जब उसमें उत्पत्ति धर्मकत्व नहीं है तो अनित्यत्व भी नहीं है तयो एकस्य एक अभाव तो उन दोनों में से एक का अभाव होने से अर्थात उत्पत्ति धर्मकत्व का अभाव होने से, इतरस्य दूसरे का भी अभाव है अनित्यत्व का भी अभाव है आत्मा में आत्मा में कौन सा अभाव है नित्यत्व तो कह रहे हैं साध्य अनुमिनोति इति। तो इसी से फिर साध्य में शब्द में ये अनुमान से जान लेता है क्या जान लेता है क्योंकि साध्य हमारा उत्पत्ति धर्म वाला है और उदाहरण में क्या देखा उत्पत्ति धर्म नहीं है और उत्पत्ति धर्म नहीं है और अनित्यत्व भी नहीं है तो ये दोनों धर्म इसमें है नहीं शब्द में उत्पत्ति धर्म वाला नहीं है तो नित्य भी नहीं है क्योंकि जो जो अनुत्पत्ति धर्म वाला है वो वो तो नित्य होता है और शब्द तो क्योंकि उत्पत्ति धर्म वाला है इसलिए ये अनित्य है समझ में आ गया ना दोनों तो कह रहे हैं तद, तद न संभवती ये जो बात है ना ये व्याप्ति वाली बात है एक के होने से दूसरे का न होना जो जो उत्पत्ति धर्म वाला है वो वो अनित्य होता है जो जो अनुत्पत्ति धर्म वाला है वो वो नित्य होता है ये जो व्याप्ति है ये हेतु में नहीं मिलेगी आपको ये तो हेतु थे तो इसमें तो ये व्याप्ति ठीक से मिल गई आपको हेतु न संभवती हेतु आगे आएंगे उसमें ये संभव नहीं है इति अहेतुओ हेतु भाषा इसलिए जो हेतु भाष हैं वो कभी भी उचित हेतु नहीं होते हैं वो इसीलिए तो उनको हेतुआ कहते हैं ऊपर से देखने में तो हेतु जैसे दिखेंगे लेकिन ये व्याप्ति उनमें नहीं होती है तो इसलिए उनको हेतु आभास कहते हैं तो कह रहे हैं तद हेतु हेतु सामर्थ्यम, तो कह रहे हैं ये जो हेतु और उदाहरण का जो सामर्थ्य है सामर्थ्य का मतलब है यहाँ पर साध्य साधन भाव उदाहरण साधर्म्या तद धर्म भावी ये जो बात है तद धर्म भावी या अतध धर्म भावी वाली जो बात है इसको सामर्थ्य कहा है तो कहा तद इदम हेतु उदाहरण सामर्थ्यम ये साध्य साधन वाली जो भाव है बात है ये परम सूक्ष्म बहुत सूक्ष्म बात है व्याप्ति वाली दुख बोधम पंडित उपवेदनीय मिति तो ये पंडितों को भी मुश्किल से ही समझ में आने वाली है बड़ी सूक्ष्म बात है ये व्याप्ति वाली जैसे जहां जहां पर धूम है वहां वहां अग्नि होती है लेकिन जहां जहां अग्नि है वहां वहां धूम हो ये जरूरी नहीं है मतलब होगी होती है लाइट में भी ऐसा नहीं है पर वो वैसे दिखेगी नहीं आपको सूक्ष्म है वो अंगारे में भी होती है वो आप ऊपर कोई चीज रखेंगे तो आपको थोड़ा कालिख लगेगी एक ट्यूबलाइट को आप 24 घंटे जला के रखो एक साल तक तो वहां थोड़ा काला काला हो जाएगा पर वो इतनी सूक्ष्म है कि वैसे नहीं दिखेगी अग्नि की तरह से तो व्याप्ति नहीं बन पाएगी तो ये कह रहे हैं कि ये उदाहरण और हेतु और उदाहरण वाला जो सामर्थ्य है परम सूक्ष्म जो व्याप्ति है ये बहुत सूक्ष्म बात है दुख बोधम दुख बोधम, दुख बोधम माने कठिनता से कठिनता से समझ में आती है ये दुखपूर्वक समझ में आती है ऐसा नहीं है कि भाई इसको समझने के लिए बड़े दुख उठाने पड़ेंगे ऐसा नहीं है दुख बोध कठिनता से पंडित, पंडितों को भी। पंडित कौन होते हैं पढ़िनाशनी पढ़िनाशने से बनेगा तो जो अज्ञान का नाश करने वाला है वो पंडित और पण व्यवहार से भी बन जाएगा पण व्यवहारे से टाप करके और फिर क्या लाएंगे उससे टाप करेंगे तो पंडा बन जाएगा पण व्यवहार से और फिर इतच प्रत्यय लाएंगे तो जो व्यवहार करना जानता है वो पंडित है और जो अपने अज्ञान का नाश करना जानता है वो पंडित है तो कह रहे ऐसे जो पंडित हैं उनके लिए भी इसको जानना दुख बोधम परम सूक्ष्म उपवेदनियम इति तो ये यहाँ तक हो गया हमारा उदाहरण। अब चौथा जो, जो अवयव है वो है उपनय। उदाहरणा पिक्षः तथेत्त्युपसंहारः न तथेत्त्यवा साध्यस्य उपनयः उदाहरणा पिक्षः उदाहरण की अपेक्षा रखने वाला तथा इति उपसंहार तथा इति वैसा ही है ये तथा इतिपसंहार है न तथा इति ये वैसा ही है या वैसा नहीं है इति तथा इति साध्य से उपनय तो इसको साध्य का उपनय कहते हैं कैसे भाष्य में और स्पष्ट हो जाएगा उदाहरणापेक्ष उदाहरणापेक्ष माने उदाहरण तंत्र उदाहरण तंत्र माने उदाहरण वश उदाहरण के अधीन होने वाला तो मतलब उदाहरण देखो हेतु से भी जुड़ा हुआ है उपनय से भी जुड़ा हुआ है इसलिए उदाहरण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और जीवन से भी जुड़ा हुआ है जैसे हम शास्त्र पढ़ रहे हैं और हमें योग की शक्तियों के बारे में अध्यात्म की शक्तियों के बारे में बताया जा रहा है पर यदि उसका कोई एक भी उदाहरण हमारे सामने ना हो आज तक कोई भी ऋषि मुनि ना हुआ हो तो कितना कठिन हो जाएगा उसको समझना और यदि हमारे सामने महर्षि दयानंद है हमारे सामने स्वामी विवेकानंद हैं श्री अरविंद हैं गुरु नानक देव हैं भगवान महावीर हैं महात्मा बुद्ध हैं तो फिर हिम्मत आती है ना तो उदाहरण से ही सत्य को अभिव्यक्त करने में उदाहरण का बहुत बड़ा एक अहम भूमिका है और हेतु की तो है ही है तो उदाहरण और हेतु ये दो बहुत बड़े महत्वपूर्ण पार्ट हैं तो ये केवल मात्र न्याय दर्शन को पढ़ने के लिए नहीं ये जीवन दर्शन को पढ़ने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है दोनों एक तो हेतु बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जो भी दुख हैं जो भी हमारी असफलताएं हैं जो भी हमारे मन की उधेड़बुन है जो भी हमारी उत्कृष्ट उपलब्धि का अभाव है जीवन में उसका हेतु क्या है यह हमें जानना पड़ेगा बहुत लोग तो विद्वान है मैं विद्वान नहीं हूं इसका हेतु क्या है तो यह हमें ढूंढना पड़ेगा भूत लोगों ने तो हमारी उम्र में सत्य को प्राप्त कर लिया था हमने प्राप्त नहीं किया इसका हेतु क्या है बहुत लोग तो इस संसार में ऐसे जी रहे हैं फूलों की तरह से जो खुशियां खुशियां दे रहे हैं लोगों को हमारे से हमारे घर वाले भी राजी नहीं इसका हेतु क्या है तो उस हेतु को यदि हमने ढूंढ लिया ना तो उद्धार हो जाएगा तो हम हेतु के नाम पे क्या ढूंढ लेते हैं हेतुआभास खुश नहीं होते हैं ये तो इनका मिजाज ही ऐसा है हम क्या करें तो खत्म ये हेतुआ अपने दुखों को तो ढूंढ लेते हैं मेरे जीवन में ये ये दुख है परेशानियां हैं कोई यहाँ मेरे को रिकॉग्नाइज करता नहीं है कोई मेरे को पहचानता नहीं है जितना मेरे साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए वो करता नहीं है मेरी बात कोई सुनता नहीं है क्योंकि सबसे ज्यादा समझदारी मेरे पास है और उसको कोई मानता नहीं है और इसका हेतु क्या है इसके हेतु इनके अच्छा जानता है ये बाउले लोग हैं सब यहाँ पे तो ये हेतुआभास हो गया तो इसलिए फिर वो भी वैसे ही रहते हैं और हम भी वैसे ही रहते हैं थोड़ा सा भी उसमें कोई चेंज आता नहीं है क्योंकि हमारे हेतु ठीक नहीं होते हैं जीवन के ना दुख के हेतु ठीक है ना सुख के हेतु ठीक है कुछ थोड़ी बहुत हमारे अंदर कोई उपलब्धि है हमारे पास किसी वस्तु का भाव है तो उसका हेतु भी फिर हम किसको दे देते हैं अपने आप को ही दे देते हैं कि मेरे पास जो कुछ भी है उसका क्रेडिट किसको श्रेय किसको मेरे को मैंने अपने पुरुषार्थ से प्राप्त किया है तो इसको तो ये हेतु ठीक नहीं है क्योंकि अपने आप से तो व्यक्ति को बोलना भी नहीं आता है चलना भी नहीं आता है बच्चे को यदि माँ उंगली पकड़ के चलना ना सिखाई तो और एक एक शब्द ना सिखाए तो बोलना भी नहीं आएगा तो ये तो गलत है ना कि मैंने अपने पुरुषार्थ से किया कितने तो लोगों का सहयोग है तो वो हमारे हेतु ठीक नहीं होते और हमारे उदाहरण ठीक नहीं होते क्योंकि हम अपने जैसे ही उदाहरण ढूंढ लेते हैं फिर जैसा हम जी रहे हैं ना उन्हीं लोगों को हम देखते हैं हमारे यहाँ ऑफिस में एक लड़का अच्छा काम करता है फिर उसको हम काम बताएं बोल जी हमेशा मेरे को क्यों बताते हैं ये खाली बैठे रहते हैं मेरे पड़ोस में अरे मैंने कहा तू इनको देख रहा है तू मेरे को देखना मैं भी तो लगी हुई हूँ तो, तो सैलरी लेके लगा हुआ है और मैं बिना सैलरी के लगी हुई हूँ बोल जी आपका क्या और मैंने कहा इसका क्या उदाहरण भी अपने जैसे ढूंढते हैं हम नीचे वाले ढूंढने जो हमें करना है ना वो उदाहरण ढूंढते हैं जो हमें करना चाहिए जो हमारे आदर्श हैं स्वामी जी महाराज को नहीं हमारे पीएचडी के जो छात्र हैं वहां पे पढ़ते हैं बुझे, हम तो पीएचडी में हो गए हम योग में क्यों आए मैंने कहा भाई स्वामी जी महाराज रोजाना पौने पांच बजे आते हैं यदि आपका हाईटून से भी ज्यादा ऊंची हो गई हो तो कुछ विचार करें बताओ और यदि उनके बराबरी मान रहे हो अपने आप को तब तक तो आना ही चाहिए क्यों ना हो तो उदाहरण और हेतु ये दोनों का क्योंकि पंचावय क्या है सत्य को प्राप्त करवाने में साधन है तो ऐसे ही हमारे जीवन के सत्य को प्राप्त करवाने में हमारे जीवन की जो प्रतिज्ञाएं हैं जो हमने भगवान के सामने की है या अपनी आत्मा के सामने की है ब्रह्म के सामने की है व्यक्ति प्रतिज्ञा करता है ना भगवान के सामने मंदिर में बैठ करके ओम जय जगदीश हरे मैं मूर्ख खल कामी मैं सेवक तुम स्वामी वहां तो बोलता है ये प्रतिज्ञा करता है बाहर मंदिर के बाहर आते ही कोई बोले खल कहीं के मूरख <laughs> बोला अच्छा मैं तेरे को खल लगता हूँ मैं मूर्ख लगता हूँ तो बोले अंदर क्या बोल रहा था तू बोलो तो तेरे सामने थोड़े बोल रहा था तो भगवान के सामने बोल रहा था तो जो हमने भगवान के गुरुजनों के अपने खुद के सामने जो प्रतिज्ञाएं की हैं उन प्रतिज्ञाओं की सिद्धि के लिए हमारे हेतु और उदाहरण यदि बिल्कुल ठीक हैं तो उपनय और निर्णय तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा क्योंकि उपनय तो क्या होता है उदाहरणेक्षा तथा ही थी। उदाहरण की अपेक्षा से बस उपनय को तो ये कहना है कि ये वैसा ही है या न तथा शब्द जो है आत्मा की तरह नित्य नहीं है ये ही उपनय है तो उपनय और निर्णय तो वो ही आएगा उसकी चिंता नहीं करना कि भाई मैं ये सब करता जा रहा हूं इससे मेरे जीवन का निर्णय क्या होगा कौन करेगा निर्णय तो अपने आप हो जाएगा ईश्वर कर देगा प्रकृति कर देगी जगती कर देगी बहुत है निर्णय करने वाले तो आप ये दो को ठीक करो ये को आपको ही करना है हेतु और उदाहरण को ठीक तो इसलिए यहां पर कहा उदाहरणपेक्षा माने उदाहरण तंत्र उदाहरण वश उदाहरण की अधीनता वाला उसके वश में होने वाला वश मतलब सामर्थ्यम तो साध्य में युक्त उदाहरणी उदाहरण कैसा होना चाहिए साध्य का जो साधर्म है उससे युक्त होना चाहिए माने अनित्यत्व को यदि हमने साध्य बनाया है तो हमारा उदाहरण भी क्या होना चाहिए से युक्त होना चाहिए और यदि हमने नित्यत्व को साध्य बनाया है तो उदाहरण भी नित्यत्व से युक्त होना चाहिए तो इसलिए उदाहरण स्थाल द्रव्यम उत्पत्ति धर्मकम अनितम दृष्टम जो हमारा उदाहरण था जो कि साध्य साधर्म से युक्त है स्थाली आदि उस स्थाली आदि द्रव्य को हमने उत्पत्ति धर्म वाला देखा और अनित्य देखा उत्पत्ति धर्मकम अनित्यम दृष्टम तथा शब्द तो वैसा ही फिर शब्द है क्यों उत्पत्ति धर्म कम इसमें बिंदी लगा लेना क्योंकि शब्द भी क्या है उत्पत्ति धर्म कम यह तो प्रथमांत भी हो सकता है उत्पत्ति धर्म शब्द इति तो ठीक है तब तब बिंदी नहीं लगाना तथा शब्द उत्पत्ति धर्म इति साध्य शब्द से उत्पत्ति धर्मकत्व उपसंग्रियते। तो यहाँ पर जो साध्य था हमारा शब्द साध्य शब्द से उत्पत्ति धर्मकत्व तो यहाँ पर उसका उत्पत्ति धर्मकत्व और अनित्यत्व भी उसका यहाँ पर उपसंहार किया जा रहा है साध्य वैधर्म युक्त उदाहरणे आत्मादि द्रव्यम अनुत्पत्ति धर्मक नित्यम दृष्टम और कह रहे वैसे ही साध्य के वैधर्म से युक्त जो दूसरा उदाहरण था आत्मादि द्रव्य वो अनुत्पत्ति धर्मकम् दृष्टम अनुत्पत्ति धर्म वाले देखे जाते हैं न तथा शब्द इति शब्द वैसा नहीं है पहले में कहा तथा शब्द इति दूसरे में कहा न तथा शब्द इति अनुत्पत्ति धर्मकत्वस्य उपसंहार प्रतिषेधेन उत्पत्ति धर्मकत्वं उपसंग्रियते तो यहां पर अनुत्पत्ति धर्म तत्वस्य जो अनुत्पत्ति धर्म वाला है आत्मा आदि उसका उपसंहार प्रतिषेध तो प्रतिषेध के माध्यम से प्रतिषेध के द्वारा उसका उपसंहार किया जा रहा है उत्पत्ति धर्म तत्व क्योंकि शब्द वैसा नहीं है आत्मा का जैसा इसलिए शब्द क्या है अनित्य है ये उपसंहार कर दिया न तथा इति न तथा इतिश ने तथा शब्द शब्द वैसा नहीं है ये कर दिया। तद इदम तो जैसे हेतु दो थे उदाहरण भी दो प्रकार के थे तो ऐसे ही उपसंहार का भी द्वैत हो गया उपसंहार भी दो प्रकार का हो गया तद इदम उपसंहार द्वैतम उदाहरण द्वैतादी उदाहरण जैसे वह धर्म से और साधर्म से दिया तो वैसे ही उपसंहार भी साधर्म और वह धर्म से दो प्रकार का ही हो जाएगा तथा इति न तथा उपसंग्रियना च इति वेदितव्यप्रियते उपसंहार करना माने इकट्ठा करना जो हमने ऊपर के तीन अवयवों में जो कहा था उसको ये एकत्रित कर लेता है उपसंग्रित कर लेता है माने पक्ष के कथन को समेट लेता है जिस पक्ष को हम लेके चले थे आने न उपसंहार है वेदितव्य उसको उपसंहार जानना चाहिए जो पूरे वाक्य के कथन को एक कथन में समेट लेता है तो ये एक लास्ट का बच गया अवयव निगमन तो अब समय हो गया इसको हम कल पढ़ेंगे और इसके बाद तर्क और फिर निर्णय और दो तो पदार्थ पढ़ने के बाद ये पाद आपका समाप्त हो जाएगा आज यही विराम लेते हैं ओ शांति 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 ही श्री गुरुभ्यो नमः